कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में मेक कंपनी से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक आज SDBI पार्टी ने ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है पुलिस ने SDBI पार्टी के करीब कुछ लोगों को जो है उन्हें हिरासत में लिया था और अभी वो लोग मुमरा पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं। हम बात करेंगे, सर क्या नाम है आपका? मेरा सरफराज शेख, जनरल सेक्रेटरी SDBI कलवा मुमरा। आप लोग प्रोटेस्ट किए थे और इस प्रोटेस्ट के बाद जो है कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया? अभी हमने जो प्रोटेस्ट किए थे तो हमने तो पहली बार तो पुलिस को इंटीमेट करके प्रोटेस्ट किए थे। हमने कोई बिगर पुलिस को बता के ऐसा प्रोटेस्ट कुछ गलत काम तो नहीं किए, और प्रोटेस्ट करना हमारा राइट्स है तो उस हिसाब से हमने किए। प्रोटेस्ट किए तो हमको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, तो ये जो बोलते हैं ना कि ट्रैफिक जाम होगा, कुछ भी नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन भी थी, सब कुछ था। एक छोटा सी प्रोटेस्ट था 300 मीटर 400 मीटर हम लोग चले यहाँ पे अम्बेडकर पे आके, हमने हमारा प्रोटेस्ट भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद पुलिस ने जो वहाँ पे खड़े थे जिम्मेदार और जो नहीं भी थे जिम्मेदार, वो पकड़ पकड़ के अंदर ले रहे थे। तो हमने साहब को बोला, साहब हमारे ये नहीं है जो जिम्मेदार हम चल रहे, तो हम लोग 6 लोग अभी अंदर थे। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है आप लोगों को रैली के दौरान पुलिस बंदोबस्त भी साथ में था, तो फिर जो आप प्रोटेस्ट किए तो इस दौरान पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया, वजह क्या बताई गई? ये वजह तो पुलिस ने नहीं बताई, सिर्फ पुलिस हमको बोलती है कि हमको ऊपर से बहुत प्रेशर है। लेकिन किस चीज़ का प्रेशर है हमको नहीं मालूम पड़ता है। प्रोटेस्ट तो सब जगह सब लोग करते हैं, सब जनता पुलिस जो भी है सब प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनता इतना SDBI पे बनता। तो SDBI पे इतना प्रेशर क्यों बनता है हमको भी आज तक समझ में नहीं आया। SDBI जो है मजलूम के लिए आवाज़ उठाती है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलती है, चाहे वो कानून हो, अदालत हो, जो भी हो। अगर आज हम गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम गलत कुछ भी करने के लायक भी नहीं रहेंगे। कल आप लोगों को सुन में आ रहा है 3 लोगों को नोटिस दिया गया था और आज भी करीब 6 से 7 8 या 9 लोगों को नोटिस दिया गया। जी हाँ, नोटिस तो दिया गया था कल। हम यहाँ पे कुछ 7 बजे से हम यहाँ पे परमिशन के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई परमिशन तो हम नहीं दे सकते। उन्होंने हमारा प्लान पूछा कि आपका प्लान कैसा है प्रोटेस्ट का, तो हमने उनको बताया कि हमारा दारुल फला से रहेगा, शाम में 7 बजे रहेगा। तो बोले वो ट्रैफिक है, ये है, तो ठीक है, हमने साहब की रिस्पेक्ट किया जो उन्होंने बोला। कि फिर उन्होंने हमको प्लान बताया कि आप फायर ब्रिगेड से यहाँ से करो, तो हमने एग्री हो गए। हमारा टाइम भी चेंज कर दिया उन्होंने, 12:30 से 1:30 बजे का टाइम कर दिया। वो टाइम पे भी हमने शॉर्ट कर दिया, 12:30 से 12:50 तक का हमारा प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। हमने पूरा 1 घंटा भी नहीं खींचे थे, लेकिन तो भी हमारे को अंदर बुला के बता रहे कि आप लोग के ऊपर 188 का कलम लगेगा, ये लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये सब तो कुछ नहीं हुआ है, खाली 2-3 घंटा बिठाए थे, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ FIR वगैरह कुछ ऐसा? FIR तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ रुका है मामला, देखते हैं। 188 अभी तक हुआ नहीं है, हाँ कुछ उस बारे में कुछ कम्युनिकेशन हुआ नहीं है अभी तक FIR के लिए। मेरा ये बोलना है कि आज हम गलत के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, तो आज अगर पुलिस हमारा साथ नहीं देगी तो कौन हमारा साथ देगा? डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं देगा तो कौन हमारा साथ देगा? आम जनता कहाँ जाएगी? आज अगर आम जनता को कुछ भी नुकसान होता, किसी का मोबाइल चोरी होता, किसी के घर के अंदर चोरी होती, वो सीधा पुलिस आती, पुलिस उनको इंसाफ दिलाती। तो आज हम जो इंसाफ मांग रहे हैं वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन वे के से मांग रहे हैं। तो हम तुमको, आप हमको कॉन्स्टिट्यूशन वे से भी हमको अगर नहीं चलने देंगे तो हम किस चीज़ से चलेंगे, आप बताइए। ये भी सुन में आ रहा है कि आप लोगों के कुछ साइन वगैरह लिए गए हैं पुलिस स्टेशन में, फ़ोटो वगैरह भी खींचे गए हैं। हाँ, ये फ़ोटो वगैरह लिए गए हैं। वो जो अपना एक आरोपी फॉर्म जो होता है वो फिल करवाया गया है, उसके अंदर डिटेल्स ली हुई है, कुछ फ़ोटो वगैरह भी लिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़ोटो कैप्चर किया हुआ है उन लोगों ने। कितने लोगों के लिए गया? 6 लोग थे, 6 लोगों के लिए गए थे, और लोगों का भी उनका था, लेकिन और लोगों को जब हम जानते नहीं तो हम जबरदस्ती किसी का नाम क्यों दें जब हम जानते ही नहीं? तो कल के दिन हम नाम देंगे किसी का भी, वो सामने वाला बंदा ही नहीं मिला तो उसमें तो हमारी गलती मतलब पकड़ी जाएगी ना, जब हम जानते नहीं तो हम नाम कैसे देंगे। तो आपने सुना कि आज जो है ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में SDBI पार्टी के तरफ से
जो जनाक्रोश मोर्चा कहीं निकाला गया था, और इस मोर्चे के बाद पुलिस ने करीब 6 से 7 SDPI पार्टी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया था और इन्हें बताया जा रहा है कि कल भी नोटिस वगैरह दी गई थी और आज भी इनके जो है बताया जा रहा है कि फ़ोटो वगैरह खींचे गए हैं। और ऐसा SDPI पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने कहा है कि 188 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा बताया जा रहा है जो SDPI कार्यकर्ता है कि उन्हें उन पर अभी कोई गुनाह दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस के तरफ से कहा गया है कि आपको बाद में पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा।